1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सूचना केंद्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित महावीर इंटरनेशनल निधि सेवाएं। आज अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में सूचना केंद्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 6 चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही मरीजों को दवाइयों व चश्मे भी वितरित किए गए। महावीर इंटरनेशनल ने भी इस सेवा कार्य में अपनी सेवाएं दी। आज अनुसूचित जाति जनजाति निगम की तरफ से, ओबीसी प्रकोष्ठ की तरफ से आज एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें महावीर इंटरनेशनल के सहयोग से सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिसमें शुगर, बीपी, उसके अलावा सामान्य रोग, स्त्री रोग, नेत्र, ईएनटी और इनकी नेत्र जांच और सभी प्रकार की दवाइयां और चश्मा वगैरह निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। कितने डॉक्टर हैं? करीब 6 डॉक्टर हैं। आपका नाम? मेरा नाम जय प्रकाश है, MD SCDC निगम। जिससे इसका एक तो स्वास्थ्य के हिसाब से निःशुल्क दवा दे के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है, साथ ही विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय निगम की जो ऋण योजनाएं हैं उनके संबंध में जनता को जागरूक करना है और उससे जुड़े और स्वरोजगार के हेतु इसमें जुड़ के लाभ प्राप्त करे, ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रीय निगम के द्वारा आयोजित किया जाने वाला विशेष जागरूकता शिविर है। राजूराम जांगड़, वित्त प्रबंधक, अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, जयपुर। अच्छा, चोरी के शक में 3 महिला हिरासत में, दरगाह थाना क्षेत्र की रहने वाली है तीनों महिलाएं। अजमेर की जेल अस्पताल में कोतवाली थाना पुलिस ने बच्चा चोरी के शक में 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, लेकिन दरगाह सीओ ने कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि इस मामले की जांच दरगाह सीओ सुरेंद्र सिंह खुद कर रहे थे। काफी देर तक हिरासत में ली गई तीनों महिलाओं से जेल अस्पताल में बनी पुलिस चौकी में पूछताछ भी की गई, लेकिन इस मामले में पुलिस ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जानकार सूत्रों की माने तो तीनों महिलाएं दरगाह इलाके की रहने वाली है और चिकित्सकों की शिकायत पर उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनका पुलिस ने मेडिकल भी करवाया और बाद में दरगाह थाना पुलिस तीनों महिलाओं को अपने साथ दरगाह थाने ले गई। मामले की असली वजह पुलिस जाँच के बाद ही सामने आ पाएगी। SBI बैंक ने यातायात पुलिस कर्मियों को दी ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी, ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुजर भी रही मौजूद, बैंक से जुड़ी कई अन्य सेवाओं के बारे में भी बताया। आज SBI बैंक द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों को बैंक से जुड़ी कई अन्य जानकारी दी गई, जिसमें लोन से संबंधित, ATM से संबंधित, लेन देन से संबंधित, आजकल हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर उससे बचने की जानकारी दी गई, जिसमें बैंक ने बताया कि बैंक द्वारा किसी की भी पर्सनल डिटेल को पूछने के लिए कॉल नहीं किया जाता है। अगर वे अपनी पर्सनल डिटेल किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आज मीडिया के माध्यम से बैंक अधिकारी ने केवल पुलिस कर्मियों को ही नहीं बल्कि जनता से भी अपील की है कि वे किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल ना बताएं। बैंक मैनेजर साहब, चीफ मैनेजर साहब, इनकी तरफ से हमारे 2-3 दिन पहले एक प्रपोजल रखा गया था कि सभी स्टाफ कर्मियों को बैंक से संबंधित जानकारी दी जाए, और उसी के तहत आज जो हमारा सुबह का मॉर्निंग का रोल कॉल का टाइम होता है, पूरे स्टाफ को हमने यहाँ पर SBI बैंक में बुलाया है और बुला करके और अधिकारीगण द्वारा हमें जानकारी दी गई है। इस जानकारी के तहत बैंक के लोन, बैंक में लेन देन, ATM डेबिट कार्ड और इसके अलावा विदाउट ATM के आप किस तरह से पैसा भेज सकते हैं, किस तरह से आप पहुंचा सकते हैं, ATM में फ्रॉड कैसे होते हैं, बैंक में फ्रॉड कैसे होते हैं, इन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमारे ट्रैफिक कर्मियों को दी गई। इसके लिए मैं तहे दिल से बैंक स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार सूरी। हमारे द्वारा आज ट्रैफिक पुलिस के साथ एक कैंप किया गया, जिसमें हमारे ऑनलाइन फ्रॉडों के बारे में हमने पूरी जानकारी दी और हमारी विभिन्न योजनाएं, जमा योजनाएं एवं ऋण योजनाएं, ऋण योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। और मैं पुलिस विभाग का तहे दिल से आभारी हूं कि इन्होंने इतना समय हमें दिया, कि इन्होंने हमें शांति से सुना। धन्यवाद। कोई समस्या बताई आपको? नहीं, समस्या अभी तो कोई भी नहीं बताई, लेकिन जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो ATM फ्रॉड हो रहे हैं, जो नेट बैंकिंग के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं, UPI के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं, मेरी जनता से एक ही अपील है, बैंक की तरफ से कोई भी कॉल नहीं करता, चाहे वो स्टेट बैंक हो या कोई और बैंक हो, कोई भी बैंक की तरफ से कॉल नहीं करता है। और अगर जनता खुद
खुद बता देती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार हाँ बैंक जिम्मेदार नहीं होता उस फ्रॉड के लिए। धन्यवाद। कार्यक्रम में आप कार्यकर्ता को देख भाजपा नेता उलझे, सांसद दिया कुमारी के समक्ष भाजपा के सदस्यता अभियान में हुआ हंगामा। बिहार भाजपा में उस समय उफान आ गया जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व राजस्थान माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राधावल्लभ माहेश्वरी राजसमंद सांसद दिया कुमारी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा के सदस्यता अभियान में सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे। तभी वही मौजूद भाजपा के पार्षद सरदार मंगा सिंह मोनू की उलट सुलट बातों का शिकार होना पड़ा। जो ही सरदार मंगा सिंह मोनू ने सदस्यता ग्रहण करने आए, माहेश्वरी को कहने लगे कि कैसे आए हैं, ये भाजपा का कार्यक्रम है ना कि कोई आम आदमी पार्टी का। पार्षद मोनू की कई बात अखरने पर माहेश्वरी बिना कुछ बोले कार्यक्रम से बाहर चले गए। आप कार्यकर्ता माहेश्वरी के साथ कई फौजी भाई भी आए थे। पार्षद मोनू की बात से खफा होकर माहेश्वरी ने बताया कि पार्टी के कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने एक छोटे कार्यकर्ता द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आने वालों को यदि अपमान सहना पड़े तो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब विवाद हो रहा था तब सांसद महोदय मीडिया से मुखातिब हो रही थी और उनके सामने ही तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर सदस्यता ग्रहण करने आए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर उनके साथ बदतमीजी करना, फिर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पवन जैन द्वारा समझाए जाने पर उनके साथ बहस करना, क्या यही भाजपा का अनुशासन है। इस बात को लेकर कई लोग जो सदस्यता ग्रहण करना चाहते थे वह बजाय सदस्यता ग्रहण करने के वहां से चले गए और जाते जाते कह के गए कि जब तक पार्टी के ऐसे तथाकथित लोग रहेंगे पार्टी की बजाय छवि बनने की बिगड़ना शुरू होगी। राधावल्लभ माहेश्वरी ने इस घटना की जानकारी सांसद दिया कुमारी को दी और पार्टी में ऐसे तथाकथित लोगों से दूर रहने को कहा। उन्होंने बताया कि ये जो लोग पार्टी के साथ विधायक व सांसद का दामन थामकर अन्य लोगों से इस तरह का व्यवहार करते हैं, इनका कहना है कि मैंने आप नेता राधावल्लभ माहेश्वरी से कार्यक्रम में आने का कारण पूछा तभी पवन जैन सहित अन्य लोग मुझ पर गर्म होने लगे, ऐसे कहीं आपसे झड़प वाली बात नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है। तो सब कल के मामले को लेकर आप बताइए क्या हुआ था। कल केसरी नंदन गार्डन में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम था जिसमें हमारी क्षेत्रीय सांसद दिया कुमारी जी और सदस्यता अभियान का संवाद सुनकर देवशंकर जी बोधरा भी उपस्थित थे। सदस्यता अभियान में भागीदार बनने वाले लोगों के बारे में मैंने जिला एवं प्रदेश नेता को अवगत कराया। आखिर ये क्या विवाद हुआ था, किस बात को लेकर ऐसे विवाद हुआ था। सदस्यता अभियान के दौरान जो भी विवाद हुआ मैंने पार्टी का मामला था, इसे पार्टी के नेतृत्व के समक्ष मैंने पहुंचा दिया है, वो इसका नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि राधाकृष्ण माहेश्वरी जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भाजपा को ज्वाइन करने आए थे। पार्टी के सदस्यता अभियान का कार्य चल रहा है, हम आम लोगों को सब लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी का परिवार बड़ा हो इस निमित्त हमने कई लोगों को आमंत्रित किया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप समांतर कार्यक्रम भी करते हैं और स्वाभाविक रूप से विधायक खेमे को आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पार्षद ने आपके जो विरोधी थे उन्होंने आरोप लगाया। कल का जो भी घटनाक्रम हुआ इसको मैंने जिला एवं प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है, संपूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया है, कोई इसमें नहीं है, इस बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। केसी नंदन गार्डन के अंदर हमारा सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था, माननीय विधायक महोदय वो दिया कुमारी के साथ मैं पार्षद मंगल सिंह मोनू गया उनके साथ के अंदर हमने सदस्यता अभियान का कार्यक्रम और सदस्य बनाए। हमारा गजमेरी गेट पे भी कार्यक्रम था, ऐसे के सही कार्यक्रम केसी नंदन गार्डन में भी था, वहां पे कार्यक्रम चल रहा था तो एक आम पार्टी के कार्यकर्ता राधा वल्लभ जी महेश्वरी नाम है, मैं उन्हें जानता कम हूँ, वो वहां खड़े थे, मुझे ध्यान था कि वे आम पार्टी के हमारी बीजेपी के खिलाफ में हमेशा ज्ञापन और आरोप पढ़ते हुए विधायक मुद्दे दिया कुमार जी के लिए करते रहते हैं। मैंने उनको वहां देखा तो मैंने कहा साहब यहाँ खड़े हो, क्या मेरे सदस्य मेरे साहब स्टेज पर जाओ, वहां मैडम को वहां जाकर सदस्य ज्वाइन कर लो, तो कार्यक्रम खत्म हो गया। मेरा इतना कहते ही वो भड़क गए क्योंकि वो सदस्य ज्वाइन करने तो आए नहीं थे, पर कोई ना कोई ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसी बीच में हमारे जिला संगठन मंत्री हमारे पवन जी जैन वो इस बात को लेकर आवेश में आ गए क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने सदस्य तो ज्वाइन करनी नहीं है और ये हमारे यहाँ पर ब्यावर के अंदर इन्होंने समांतर दो अध्यक्ष बना रखे हैं जो खुद के ही कार्यक्रम करते हैं, मंडल का कार्यक्रम अलग होता है और इनके कार्यक्रम अलग चलते हैं और हम लोग मंडल के साथ चलते हैं तो इनको थोड़ी सी तकलीफ होती है और अब तकलीफ हो रही है तो इनको विधायक मोदी को हमारे को बदनाम करने के लिए ये ऐसे ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एक है, हमारा परिवार हमारा संगठन हमारा सब एक है। मैं तो उन लोगों को कहूंगा कि सनातन जो अध्यक्ष और ये चीजें मना के चला रहे ऐसा काम नहीं करे, सदस्यता अभियान को सदस्यता अभियान के तरीके से चलावे, इसको किसी को ग्रुपबाजी से और इससे नहीं जोड़ा जावे।
गुमशुदा पति की तलाश की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के पास पहुंची महिला। 5 दिन पहले कुछ युवकों ने किया था अपहरण। 5 दिन पहले रेखा और उसका पति फूलचंद मदार से कोटड़ा की ओर जा रहे थे। इसी बीच सावित्री चौराहे पर कुछ गाड़ियां आई, उसमें बैठे कुछ युवक और एक महिला ने दोनों को अपनी गाड़ियों में डाला और आगे जाकर रेखा को गाड़ी से धक्का दे दिया और उसके पति फूलचंद को वहां से लेकर फरार हो गए। जिसके बाद रेखा ने किशनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक रेखा के पति का कोई पता नहीं चला। इसलिए आज रेखा अपने पति की तलाश की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के पास पहुंची। रेखा का कहना है कि जो महिला और युवक उसके पति को लेकर गए हैं उनसे किसी बीसी का मामला चल रहा है, लेकिन वह उन लोगों से कोई कर्जा नहीं मांगते हैं। उसके बावजूद उन्होंने उसके पति को इस तरीके से अपहरण कर ले गए हैं और रेखा की 2 गाड़ियां भी उन्होंने जब्त कर रखी है। इसलिए आज पीड़ित महिला पुलिस कप्तान के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची। महिला का कहना है कि वह 5 दिनों से थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। हाँ बताओ क्या मामला है? सर मैं और मेरे पति दोनों मदार से मतलब ओकरा जा रहे थे गाँव हमारे, तो रस्ते में सावित्री चौराहे है ना उसके पास में हम दोनों को गाड़ी रुकवाई। 3 गाड़ियां आई अचानक से, उसमें एक लेडीज थी 6 आदमी थे। तीनों गाड़ियां रुकी और गाड़ी को पकड़ी और बोला गाड़ी रोको रोको, रोक ली हमने। तो उन्होंने जबरदस्ती, एक बंदे ने विजय नाम का बंदा था, उसने मेरे पति की कॉलर पकड़ी, उनको अंदर धकेला गाड़ी में पीछे और वो गाड़ी चलाने लग गया। थोड़ी दूरी पे आगे ले जाके मुझे तो आगे धक्का दे दिया और उनको जो आगे ले गए पता ही नहीं अभी तक उनका। 5 दिन हो गए ना, तो पुलिस कोई एक्शन ले रही है ना कोई दूसरे ले रहे हैं। सर किशनगंज थाने के अंदर है हम लोग, 5 दिन हो गए, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। सर हमें कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा, बस यही कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। 5 दिन हो गए हम लोग खाना पीना छोड़ के उनके चक्कर काट रहे कानों के, 10 दिन हो रहे। सर बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम फैसला कर लो। मैं किसका फैसला करूँ? मेरा पति ले आओ, गाड़ी ले आओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर उन्हीं की फिर आते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार आते हैं और मेरे घर आए, कल मेरे पास कोर्ट में भी आए थे, कल मेरे घर पे भी आए थे, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि तुम ले आओ तुम्हारे पति को ढूंढ के। मुझे पता होता तो मैं उनके पास क्यों जाती, क्यों कंट्रोल रूम फोन करती, क्यों उनको बुलाती मैं। सर मुझे मेरा पति चाहिए और मेरी गाड़ी चाहिए, बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आगे से आगे रिक्वेस्ट करो कि मेरे पति घर पर ऐसे ही सलामत आ जाए। और सर मेरा नाम रेखा रावत है, मेरे पति का नाम फूलचंद है, हम मेरा ससुराल ओकरा है और मदार की पियर है मेरा, लेकिन हम रहते हैं मदार ही है। कौन आदमी है जो आपके पति का है? जी सर वैशाली नगर की विजय गुजर है और मुन्नी देवी उनकी माँ का नाम है, गुजरों के है वो। सर हमारे बीसीओ का लपड़ा है और कोई लपड़ा नहीं है, बीसीआ चल रही है, रेगुलर जा रहा है, हिसाब हमारा बराबर है, कोई हमारे से मांग तांग नहीं है उनकी। बाकी फिर भी उन्होंने मेरे पतियों से गाड़ी छीन रखी है, 2 गाड़ियां छीन रखी है, एक मेरी खुद की एक्टिवा मेरे से छीनी थी उन्होंने, और बाकी लड़के जो उनके साथ है सारे उनके किराएदार है वो लड़के। जी सर मेरा चैन तोड़ लिया उन्होंने, मेरा एक लॉकेट तोड़ लिया था, मेरा मोबाइल छीन लिया था और मुझे धक्का देके पटक दिया था। उनका अभी तक कुछ पता नहीं है, मुझे कहते हैं तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, तुम्हारा कर्जा माफ हो जाए। किसका कर्जा है जो कर्जा माफ करेंगे? मेरा पति लाके दो मुझे, तो और कुछ नहीं चाहिए, और गाड़ियाँ चाहिए मेरी वापस, मुझे सही सलामत। सर मेरे 3 बच्चे हैं, 3 गुड़ियां हैं मेरी छोटी छोटी, 5 दिन हो गए मुझे अनपानी निकाल रही है, मेरी मम्मी है, ये सास है, इनसे पूछो। सर मुझे मेरा पति चाहिए, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, धमकी दे रहे पुलिस वाले उल्टा मुझे कि तूने तेरे पति को छुपा दिया है। सावन के दूसरे सोमवार पर झरनेश्वर महादेव मंदिर पर लगी भक्तों की भीड़, हजारों की संख्या में मनोकामना मांगने पहुंचे झरनेश्वर मंदिर। कल सावन के दूसरे सोमवार पर सभी शिव मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली, लेकिन मराठा काल से स्थापित झरनेश्वर महादेव मंदिर पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ पहुंची और शिवलिंग पर सभी ने जल चढ़ाकर अच्छे भविष्य की मनोकामनाएं मांगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर दूर दराज से भी भक्त पहुँच रहे हैं। सावन का सोमवार होने की वजह से महिलाओं ने झरनेश्वर महादेव मंदिर पर एक से एक भजन गाए। मंदिर के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मंदिर की कांवड़ यात्रा 4 तारीख को निकलेगी, जो कि पुष्कर से जल लेकर 5 तारीख को फिर मंदिर पहुंचेगी। जय विश्वनाथ। ऐसा ऐसा पहाड़ों में अनुपम सौंदर्य में मंदिर स्थापित करावा, मराठा काल का मंदिर है और भोलेनाथ की हमेशा कृपा रहती है। यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पे आएगा मन की मुराद जरूर पूरी होती है, इसलिए मेरा सभी से निवेदन है भक्तों को यहाँ पे दर्शन लाभ जरूर ले और सब अपने परिवार को भी लाभ है। और काफी लोग यहाँ दूर दूर से भी आते हैं, राजस्थान से बाहर के भी आते हैं और भोलेनाथ का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, सब लोग जो मनोकामना मांगते हैं उनको भी सब पूरी होती है। ये हमारे जीतू भाई है, यहाँ भोलेनाथ की मान्यता है, प्राचीन और मराठा काल का मंदिर है। बहुत मतलब अजमेर में 3 मंदिर है, शांतेश्वर महादेव, झरनेश्वर महादेव और एक नयावियर मंदिर है।
राजेश्वर महादेव, ये तीन मराठा काल के मंदिर है। इसमें सबसे पहाड़ियों में प्राचीन और पहाड़ी मंदिर है। हम सुबह 4 बजे आते हैं, रोज पूजा करते हैं। सावन की 300 दिन सुबह अभिषेक होता है, सोमवार को विशेष अभिषेक होता है, जैसे आज केसर के में अभिषेक हुआ था महादेव का। उसके बाद श्रृंगार होता है और आरती होती है। आज शाम को क्या हुआ? आज शस्त्र धारा हुई है, शस्त्र सोम प्रदोष है तो उसमें शस्त्र धारा हुई है और श्रृंगार का था और भंडारे का कार्यक्रम कराया गया। जितेंद्र अंगवानी। सावन में क्या जल अभिषेक होता है, गन्ना का अभिषेक करते हैं, इधर केसर का अभिषेक करते हैं, इत्र का अभिषेक करते हैं, कोई जैसे अगली मन भावना है वैसे महादेव का अभिषेक करते हैं। सावन प्रदोष में प्रदोष काल दो आते हैं, 15-15 दिन के प्रदोष काल में भव्य श्रृंगार होता है और यहाँ महाप्रसाद की होती है। और इस मंदिर के बारे में? ये मंदिर है मराठा कालीन का, मराठा से पहले से मंदिर है, ये मंदिर बहुत प्राचीन। इसकी मेरा नाम श्याम सुंदर लाजी। हम महाराज क्या रहता है यहाँ पर सावन में? सावन के अंदर हमारे यहाँ कम से कम रोज जो है 150-200 जने विधि विधत पूजन करते हैं, जो सुबह 4 बजे से शुरू होती है, जो 11 बजे तक यहाँ होती है। ग्रुप होते हैं हमारे अलग अलग, 50-50 के ग्रुप है और 2-2, 3-3 घंटे पूजा करते हैं, उसके बाद दूसरा ग्रुप बैठता है, ऐसे करके पूरा महीने यहाँ पूजन होती है। और 3-4 फंक्शन होते हैं, दोनों प्रदोष की सहज धारा फिक्स है, एक छठ की सहज धारा यहाँ फिक्स है, इसके अलावा दूध धारा होती है समिति की तरफ से, और कांवड़ का महोत्सव है जो 4 अगस्त को संडे को अंदर पुष्कर से कांवड़ यहाँ पर लाई जाएगी। ये तो मराठा कालीन मंदिर 500 साल पुराने और ये भगवान का बाल स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में 3 बाल स्वरूप हैं, एक यहाँ एक शांतेश्वर और एक अर्धचंद्रेश्वर, और एक व्रत रूप है जो वो अर्धचंद्रेश्वर। आपका नाम? मेरा मुकेश चौधरी। और ये आपका नाम? और मैं सेक्रेटरी जनेश्वर सेवा समिति। है जी, क्या रहता है मंदिर में? मंदिर में सावन के अंदर सब बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है, काफी पब्लिक आती है और काफी चहल पहल देती है पूरे महीने तक। कम से कम 2-4-500 आदमी रोज आते हैं, और जब ये सहज धारा वगैरह होती है तो 1000-1500 आदमी कम से कम इसके अंदर भोजन प्रजाति पाने के लिए आते हैं। और सावन में कांवड़ लेने जाते हैं, 3 तारीख को कांवड़ लेने जाएंगे, 4 तारीख को कांवड़ आएगी। कांवड़ में करीबन राती योगा होता है, उसमें बाहर की मंडली आती है, प्रोग्राम वगैरह होते हैं। ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुजर फिर आई एक्शन में, मोइना इस्लामी स्कूल से लेकर स्टेशन रोड तक हटवाया अतिक्रमण, निगम के साथ मिल की कार्रवाई, कई दुकानदारों का किया सामान जब्त। स्टेशन रोड पर हो रहे एलिवेटर तोड़ और सड़क निर्माण की वजह से कई जगह पर वन वे किया गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है। इधर का ट्रैफिक मोइना इस्लामी स्कूल से स्टेशन रोड की ओर डाइवर्ट करने के लिए आज ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुजर और निगम ने कार्रवाई करते हुए रोड के बीच में आ रहा अतिक्रमण हटवाया। ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुजर ने बताया कि व्यापारियों को कई बार हिदायत दी गई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना सामान रोड से नहीं हटाया और 50-50 फीट तक अपना सामान जमा कर रखा, इसलिए आज निगम के साथ मिलकर दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। आज ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम मिलकर संयुक्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये जो मोनिया इस्लामिया का जो रोड वाला वन साइडेड मामला हुआ है, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। कई बार वैसे व्यापारियों को समझाइश भी की जाती है, समय समय पर जब्त भी करते हैं, आज फिर इनके साथ लग करके वापस कार्रवाई की गई है। ये बड़ा तिराए से शुरू होकर के पड़ा तो मदार गेट आगे मदार तक जाएंगे, मदार गेट सामान जब्त किया गया तो पूरे ट्रक और ट्रैक्टर सब भरे हैं, कंप्लीट 3 गाड़ियाँ भर रही हैं स्थिति में। नाम बता दें आपका? सत्यनारायण बोरा। आज जो अपने हमारे मोनिया इस्लामिया स्कूल के आगे वन वे कर रखा हमने, काम चल रहा है नाले का, उसको देखते हुए हमने जो मार्ग है वो डाइवर्ट किया है बाटा तिराए से लेकर के अपने पड़ाव होते हुए क्लॉक टावर। और यहाँ आए दिन प्रॉब्लम है कि यहाँ लगभग 160 फीट चौड़ा रोड होने के बावजूद भी यहाँ के व्यापारी गणों द्वारा यहाँ पर सामान रख के कम से कम 50-50 फीट की जो सड़क है उसको इन लोगों ने कवर कर रखा है, जिससे यातायात में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसी के तहत आज नगर निगम को निवेदन कर साथ में हमने लेकर के आज इनके सामान को जब्त करके और कार्रवाई की जा रही है और यातायात को सुगम बनाया जा रहा है। मैम, फोर व्हीलर गाड़ियाँ भी खड़ी रहती है? हाँ जी, चार पहिया वाहन भी खड़े रहते हैं।
हाँ फोर व्हीलर है वो भी, उसके भी नाजायज जो पार्किंग कर रखी है उसके तहत भी हम चालान बना करके उनको भी हटाने का काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, ये बड़ा 160 फीट का सड़क है तो ये यातायात यहाँ से अगर डाइवर्ट किया जाए या स्टेशन का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा स्टेशन रोड का, इसको देखते हमें ये डाइवर्जन के दौरान तो कर ही रहे, हम चाहते भविष्य में भी इस रोड को सुरक्षित रखें, एकदम खाली रखें, व्यापारियों द्वारा जो अतिक्रमण कर रखा है उससे इसको मुक्त कराएं ताकि अजमेर वासियों को एक अच्छा अल्टरनेट रास्ता है वो मिल सके। सरकार की जो बॉडी बनी हुई है थोड़ी किसका कहते हैं इसी को भी, हाँ बिल्कुल सरकार की प्रॉपर्टी पे चाहे सड़क हो चाहे बीच का जो मार्ग हो जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है बिल्कुल नाजायज है, इसके लिए हम बिल्कुल सख्ती से कानूनी कार्रवाई करके इन लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सरकार की जो जमीन है उसमें पब्लिक के साथ साथ आप लोगों को भी होना चाहिए कि इसको सुरक्षित रखें, आप लोगों का भी दायित्व होना चाहिए, लेकिन अगर आप दायित्व को भूलते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करने से नहीं चुके। ब्यावर की महिला ने फ्लाइट में भजन गाकर बटोरी सुर्खियां, गाय फ्लाइट में एक से एक भजन। ब्यावर की बिजल्डी मोहल्ला निवासी एक महिला ओमी देवी साहू ने जयपुर से बेंगलोर जा रही फ्लाइट में भजन गाकर सुर्खियां बटोर ली है। धार्मिक यात्रा पर परिजनों के साथ जयपुर से बेंगलोर जाने के दौरान फ्लाइट में फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले वेटिंग समय में महिला ने एक भजन गाया जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल साइट पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया, इसे हजारों लाइक मिल गए हैं, साथ ही सैकड़ों कमेंट्स भी आ गए हैं। कोई इसे आस्था बता रहा है तो कोई संस्कार बता रहा है, महिला का सम्मान जता रहा है। 1:13 के इस वीडियो में महिला फ्लाइट में ही भजन गा रही है और कुछ लोग तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हिंदू क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी ने बताया कि ओमी देवी साहू अपने परिवार के साथ तिरुपति की धार्मिक यात्रा पर जाने के दौरान महिला ने बाबा रामदेव जी के भजन गाए। इस दौरान आकर उन्हें एयर होस्टेस रोक देती है लेकिन तब भी लोग उनका उत्साहवर्धन करते हैं और तालियां बजाकर सम्मान जताते हैं। अरे अब क्यों पिसतावे रे बंदा, चिड़िया रे चुग गई के, अब क्यों पिसतावे रे बंदा, चिड़िया रे चुग गई के, वो भीड़ जा रही है हसे बोल, वो मिट्टी मिट्टी बोल, वो प्यारी प्यारी बोल, ए बाता सारी रे जासे, वो भीड़ जा रही है हसे हसे बोल, जैसे भी लो हो रही ना अपना घर का ही है। जीपीओ के सामने कैनरा बैंक के एटीएम की अज्ञात व्यक्तियों ने की तोड़फोड़, पहले भी कई बार इसी एटीएम के साथ हो रखी है छेड़छाड़, पुलिस पहुंची मौके पर। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जीपीओ के सामने कैनरा बैंक के एटीएम की मशीन की किसी अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़फोड़ कर दी है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले भी इसी एटीएम के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है, फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है। पीआर मार्ग पे कैनरा बैंक का एटीएम है तो किसी अज्ञात शरारती तत्व ने उसकी स्क्रीन तोड़ दी, इसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर पूर्व में इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई? हाँ पहले भी इसके साथ में कोई फेविक्विक चिपकाने का कीबोर्ड में इस तरह की कोई आई थी, बाकी इसके संबंध में जांच कर रहे हैं। हाँ जी अभी नहीं प्राप्त हुए, बैंक वाले पेश नहीं किया, अभी उसके लिए वो प्राप्त हो जाए उसके बाद आगे तफ्तीश करें। लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट ने ठेला चालकों को वितरित किए रेनकोट, मौसम को देखते हुए वितरित किए रेनकोट। लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट द्वारा वर्षा के मौसम को देखते हुए हाथ ठेला चालकों एवं मजदूरों को रेनकोट वितरित किए गए। क्लब अध्यक्ष लैन राकेश शर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम में मजदूर बैठे नहीं रहकर अपनी आजीविका कमा पाए, इसके लिए उन्हें रेनकोट दिए गए। कोष अध्यक्ष प्रदीप बंसल के अनुसार पड़ाव में मजदूरी करने वाले ऐसे 50 मजदूरों को बरसात से बचाव के लिए रेनकोट दिए गए। इस सेवा कार्य में सतीश बंसल, राकेश शर्मा, प्रदीप बंसल, विनोद गुप्ता, रियाज अहमद मंसूरी, सुशील गोयल, सुरेश पंचल, वीके पाठक, अजय अग्रवाल, मोतीलाल माथुर, सीमा पाठक आदि का सहयोग रहा। अजमेर में हो रही भयंकर बारिश को देखते हुए आज लॉयंस क्लब ने निर्णय लिया है कि जो भी गरीब मजदूर ठेले वाले हैं मजदूर लोग हैं उनको जो है रेनकोट का सहारा मिल जाए, इसलिए हमने आज उनको रेनकोट बांटे हैं ताकि अपनी मजदूरी करते रहे बारिश में भी भीगते हुए, इसलिए हमने आज इनको रेनकोट बांटे हैं। करीबन 50 एक रेनकोट बांटे आज। रियाज अहमद
लॉयंस क्लब है, लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट की ओर से आज एक सेवा कार्य का प्रारंभ किया गया, जिसमें गरीब जरूरतमंद ठेले वालों को जो कि बारिश में भीगते हुए घरों तक सामान पहुंचाते हैं, उनकी ज़रूरत को महसूस करते हुए लॉयंस क्लब की तरफ से अजमेर वेस्ट की ओर से सभी को रेनकोट दिए गए। राकेश शर्मा, अध्यक्ष लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट। मेडिकल कॉलेज के छात्र बैठे भूख हड़ताल पर पिछले कई दिनों से चार सत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, रेजिडेंट डॉक्टर भी आए समर्थन में। मेडिकल कॉलेज के छात्र अपनी चार सत्री मांगों को लेकर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी जगह ज्ञापन भी दे दिया लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज मेडिकल कॉलेज के छात्र अनशन पर बैठ गए हैं, जिनके समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर भी आ गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि अगर सरकार जल्दी मेडिकल कॉलेज के छात्रों की मांगे नहीं मानती तो रेजिडेंट डॉक्टर भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये हमारे जो युवा साथी कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं फीस वृद्धि को लेके, साथ में NRI वाला इश्यू है, NMC बिल वाला इश्यू है, तो ये इनकी जो मांग है ये जायज़ है और RDA अजमेर इनके समर्थन में आज यहाँ पे है। यदि फीस वृद्धि जैसे इन्होंने की है 15 गुना लगभग फीस बढ़ा दी, तो इससे गरीब मजदूर जो गाँव दूर दराज से जो आ रहा है, गरीब तबके का विद्यार्थी यहाँ आना उसके लिए मुश्किल हो गया है, तो हम इनकी जो मांग है उसका समर्थन करते हैं और आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये निवेदन है कि इनकी जल्द से जल्द इनको वार्ता पे बुलाएं, इनकी सुनवाई हो, नहीं तो RDA अजमेर को भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आपका नाम? डॉक्टर देवराज राव, प्रेसिडेंट RDA अजमेर। हम लोग पिछले 40-45 दिन से हमारी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार हमारी मांगे मानने को सुनने को तैयार नहीं है, तो हम लोग कल से कर्मी अनशन पे बैठे हैं। आज हम लोग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अनशन पे बैठे थे और आज हमें हमारे RDA एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी समर्थन दे दिया है। अभी बोला गया है कि अगर हमारी मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे उतरेंगे। OLX की वजह से युवक के साथ हुई 54,000 की धोखाधड़ी, ठग ने अपने आप को सेना का जवान बताकर बेचनी चाहिए अपनी गाड़ी, पीड़ित नितिन ने क्लॉक टावर थाने में दर्ज करवाया मामला। आशागंज निवासी नितिन ने OLX पर एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी का एड देखा, नितिन की गाड़ी मालिक से 80,000 में डील पक्की हुई और गाड़ी मालिक मंजीत ने अपने आप को सेना का जवान बताकर नितिन से 5100 रुपये साई राशि मांगी, नितिन ने साई राशि जमा भी करवा दी। उसके बाद गाड़ी मालिक का फिर फोन आता है और वो बताता है कि उसका कोई परिजन अस्पताल में भर्ती है और उसे और पैसों की आवश्यकता है, तो उसके बाद नितिन ने टुकड़ों में कभी 15,000 कभी 10,000 करके मंजीत के खाते में 54,000 रुपये जमा करवा दिए। उसके बाद मंजीत का फोन आता है कि आपकी गाड़ी किशनगढ़ पहुंच चुकी है और आपको और पैसे जमा करवाने हैं। जब नितिन को संदेह हुआ कि उसके साथ ठगी हो रही है तो उसने क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज करवाया, जहां से पुलिस अनुसंधान कर रही है। क्या मुकदमा दर्ज हुआ, किसने करवाया? ये कल दिनांक 29/7/19 को थाने पे उपस्थित होकर एक नितिन बेरानी पुत्र श्री अशोक बेरानी जाति सिंधी निवासी चांदबावड़ी आशागंज का रहने वाला है, इसने OLX पे एक विज्ञापन आया था मिस्टर मंजीत का कि मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी है जो बिकाऊ है, इनके सौदाते हुआ 80,000 रुपये में, उसने मंजीत की डिमांड थी 90,000, साई पेटे नितिन बेरानी ने 5100 रुपये उसको पेटीएम से जमा करा दिए, उसके पश्चात मंजीत ने कहा मेरे हॉस्पिटल के अंदर कोई एडमिट है और पैसों की आवश्यकता है, मेरे को 15,000 रुपये की और आवश्यकता है, नितिन बेरानी ने उसके पश्चात टुकड़ों के अंदर 5,000 रुपये 3 बार, 4,000 रुपये 1 बार, 9,999 रुपये 1 बार, 8,899 रुपये, कुल टोटल करीब 54,000 रुपये जमा करा दिए हैं खाते में। उसके पश्चात उसने कहा कि आपकी गाड़ी किशनगढ़ आ गई है, आप और पैसे जमा कराइए, तो नितिन बेरानी को ये आभास हुआ कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है या फ्रॉड हो रहा है, तो उसने ये पैसे जमा कराने के लिए मना कर दिया। मंजीत कुमार ने अपने आप को सेना का भूतपूर्व सैनिक समझ के और बोल के, और उसने कहा मेरे पास गाड़ी है और ये गाड़ी बिकाऊ है, ये कह के और इस प्रकार धोखाधड़ी पूर्वक ये पैसे अपने खाते में जमा करवाना बताया गया, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज थाना क्लॉक टावर पर 199/19 दर्ज कर 420 IPC में
अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। सर, पीड़ित ने कुछ बताया कि कौन है वो, क्या करता है? पीड़ित ने यह बताया कि वो भूतपूर्व सैनिक बता के मेरे साथ के अंदर धोखाधड़ी की है और ओलेक्स पे गाड़ी का विज्ञापन रॉयल इन्फील्ड का डाल के और मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।